नमस्कार ओम शांति, स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्मकुमारी संस्थान को मिला बेस्ट वाटर मैनेजमेंट का अवार्ड, ग्लोबल सीएसआर कांग्रेस ने किया सम्मानित। अफगानिस्तान की पूर्व मंत्री मसूदा जलाल ने दिया सम्मान। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में समाज सेवियों के लिए सम्मेलन का आयोजन। निस्वार्थ सेवा से हो सर्वांगीण विकास का प्रयास। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए माइंड पावर बढ़ाने पर चर्चा, तो कई देशों से आए मेहमानों के लिए भी साइलेंस रिट्रीट का आयोजन। सिकंदराबाद के मरेडपल्ली में असीमित शक्ति का स्रोत है श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान माला। राजनेताओं से लेकर सभी वर्गों के लोग शामिल। राजयोग से होगा जीवन का सकारात्मक बदलाव। महाराष्ट्र देवनी के नवनिर्वाचित परिषद सदस्यों के लिए अभिनंदन समारोह। जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए सामाजिक विकास की तय हो रूपरेखा। आध्यात्मिकता की मुहिम चलाने का भी आह्वान। अलकापुरी बड़ौदा में अलविदा तनाव में विशेषज्ञों ने बताया तनाव मुक्ति के उपाय। तनावों से बचने के लिए सीखे राजयोग ध्यान। जारी है शताब्दी समारोह का उत्सव। महाराष्ट्र लातूर में मना दादी का शताब्दी समारोह। 100 साल की दी शुभकामनाएं। और छतरपुर में विश्व परिवर्तन में शिव शक्तियों की भूमिका पर मंथन। आध्यात्मिक शक्ति से होगा आंतरिक शक्तियों का विकास। अब खबरें विस्तार से। कहते हैं कि जल ही जीवन है। पूरे विश्व में दिनों दिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जल बचाने की बहुत आवश्यकता है। ब्रह्मकुमारी संस्थान पिछले कई वर्षों से जल बचाने के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जल बचाने के बेहतरीन प्रबंधन, संचयन और संरक्षण को देखते हुए वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस की ओर से ब्रह्मकुमारी संस्थान को बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहते हैं कि जल है तो कल है, अगर जल नहीं तो जीवन नहीं। इसी के लिए पूरी दुनिया भर में पानी बचाने की मुहिम का प्रयास चल रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी करते हुए विशेष योगदान दिया है, जिसके लिए ग्लोबल सीएसआर कांग्रेस ने इस प्रयासों को ऊंचाई देते हुए संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित किया है। पूरे विश्व के पानी बचाने के 50 लोगों को इस सूची में शामिल किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी उपस्थित है। मुंबई के ताज इंडलैंड होटल में भरे समारोह में इस अवार्ड को दिया गया। यह अवार्ड ब्रह्मा कुमारी संस्था के पानी विभाग के प्रमुख बीके शंभू को अफगानिस्तान की पूर्व मंत्री मसूदा जलाल ने आयोजित समारोह में दिया। इसके साथ ही भारत सहित कई देशों से आए लोगों को भी दिए गए। उपस्थित लोगों को यह संदेश दिया गया कि अगर जल बचाना है तो कल बचाना होगा, अगर जल नहीं तो कल नहीं। इसके साथ ही पानी बचाने में महत्वपूर्ण योजना बनाने के लिए बीके यशवंत को भी ऑस्ट्रेलिया सरकार की जल विभाग की योजना सलाहकार होनकार लेने माय वर्ल्ड ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही यह अवार्ड एलएनटी, जॉनसन एंड जॉनसन, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, हीरा नंदानी तथा रिलायंस को भी दिए गए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में समाज सेवियों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके संतोष, राष्ट्रीय संयोजक बीके अमीरचंद, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, रोटरी क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के झोरी, लॉयंस क्लब गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जेसी वर्मा, मालवीय नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुंदरी, खानपुर दिल्ली की प्रभारी बीके आशा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। का प्याला पीकर प्यास बुझाना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। सम्मेलन में आए समाज सेवियों ने मुक्त कंठ से संस्थान के सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि समाज सेवा का अर्थ मनुष्य के आंतरिक विकास में मदद करना है, यह राजयोग से ही संभव है। हमारे पास साधन है, आपके पास साधना है। यदि साधन और साधना का संगम हो जाए तो मेरा मानना ये है कि जो नज़रिए से हम सामाजिक कार्य करते हैं उस नज़रिए में बदलाव आ सकता है, सामाजिक कार्य और बेहतर रूप से हो सकते हैं। तो काम ये संस्थाएं कर रही हमारी ये ब्रह्म कुमारी, ये तो बहुत ही सराहनीय है। एक आपकी चेंज आती है लाइफ में, आज यहाँ आके जो रिट्रीट सेंटर में यहाँ आके भी जो यहाँ का वातावरण है, जितनी यहाँ पर शांति है, और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
इस कार्यक्रम के दौरान जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी भी शरीक हुई। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि समाज सेवा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति की समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, और यह सिर्फ मूल्यों की पुनर्स्थापना से ही संभव है। कुछ भी देखते हुए क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि जब हर क्वेश्चन का आंसर पता है तो क्वेश्चन नहीं, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा कैसे। क्वेश्चंस में जाने से मन और चित्त क्या होने लग जाता है, जो एनर्जी हमें बात को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो एनर्जी हमारे क्वेश्चंस क्रिएट करने में ही चली जाती है। कार्यक्रम में कई विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए सही सेवाओं की ओर कदम बढ़ाने पर जोर दिया। ये मन जितना सुंदर होगा और मन जैसी शक्ति संसार में दूसरी कोई नहीं है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से सैकड़ों की संख्या में समाज सेवी शामिल हुए। इसके साथ ही कई सत्रों का आयोजन कर इसके सकारात्मक विचार पर चर्चा की गई। ओआरसी में विदेशियों के लिए 5 दिवसीय साइलेंस रिट्रीट का आयोजन किया गया। एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस विषय पर आयोजित इस रिट्रीट में 46 देशों से 150 से भी अधिक लोगों ने सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्य रूप से मलेशिया सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके मीरा, दक्षिण अफ्रीका की प्रभारी बीके वेदांती, अर्जेंटीना से बीके मोयरा, पूर्वी दिल्ली की प्रभारी दादी रुकमणी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा उपस्थित थी। कार्यक्रम में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का स्वागत किया गया। वहीं विदेश से आए संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान भी किया गया। ओआरसी में आयोजित इस 8वीं साइलेंस रिट्रीट में उपस्थित विदेश के वरिष्ठ बीके बहनों ने आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में जाने के लिए शांति का गहन अभ्यास करना आवश्यक बताया। वही शांति की शक्ति द्वारा परमात्म प्यार का अनुभव करने की भी बात कही। As we begin the retreat with this formula, I am sure Baba will guide us through our journey to have magical experiences. I taken this avatar journey effort seriously, like a very new student, very sincere student, very obedient student. I managed successfully to experience so many secrets in silence. This time is a golden chance to really do within ourselves whatever we, sometimes when we are caught up in our busy center lives. So very, very welcome, and we're in ORC, which is, it really feels like home. I've become a real fan of ORC. ऐसे ही ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कॉलेज के छात्रों के लिए भी फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद विद्यार्थियों में एकाग्रता समेत मन की शक्तियों को बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में माइंड मेमोरी प्रशिक्षण में गिनीज बुक में नाम दर्ज करा चुकी अदिति सिंघल, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा समेत कई विद्वानों ने मन की शक्ति को बढ़ाने पर चर्चा की। कार्यशाला में मन की शक्तियों को बढ़ाने पर गहराई से विचार व्यक्त करते हुए अदिति सिंघल ने कहा कि मन को सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे में राजयोग और अध्यात्म यह ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है, इसलिए इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रोग्राम करती है बॉडी को, दैट मींस इट प्रोग्राम्स पॉजिटिवली आल्सो एंड नेगेटिवली आल्सो। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं कर रही हूँ और तब मेरी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्स करती है, तो जब मैं ये सोचती हूँ मैं नहीं कर सकती हूँ तो भी वो एनर्जी उसी टाइप की रिलीज करती है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज करती है, जिससे कि हम उसको करने लायक नहीं होते। वहीं बीके आशा ने भी अपने जीवन के अनुभवों में राजयोग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजयोग दैनिक दिनचर्या में सारी समस्याओं के समाधान का अवसर प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में गुड़गांव के आसपास के प्रतिष्ठित स्कूलों के करीब 800 से भी ज्यादा छात्र उपस्थित थे। इसके साथ ही उन्होंने परिसर का अवलोकन कर संस्थान की गतिविधियों की भी जानकारी ली। हैदराबाद में ब्रह्मकुमारी संस्थान के सिकंदराबाद के मरेडपल्ली सेवा केंद्र द्वारा असीमित शक्ति का स्रोत श्रीमद् भगवद गीता विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया।
इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से गीता की प्रखर प्रवक्ता बीके उषा, तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष के स्वामी गौड़, गजलों के बादशाह गजल श्रीनिवास, हैदराबाद शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई लोगों के कर कमलों से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह अवसर तो था श्रीमद् भगवद गीता की शक्ति के पहचान का, परंतु जिस तरीके से बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञों ने भाग लिया वह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष स्वामी गौड़ ने कहा कि मैं हाल ही में माउंट आबू से आया हूँ, वास्तव में यह सच्चा तीर्थ है और यहाँ प्रत्येक लोगों को जाना चाहिए। सिकंदराबाद के हरिहला कला भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में गीता की विद्वान बीके उषा ने कहा कि जीवन की प्रासंगिकता तब सार्थक हो जाएगी जब जीवन में गीता उतर आएगी, इससे मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं भी समाप्त हो सकती हैं। व्यक्ति से मान अपमान भी मिला, forgive, यही acceptance, when you forgive, means you have accepted, और ये acceptance, हाँ, जब forgiveness के रूप में होता है, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सांसद, विधायक तथा राजनीतिक पार्टियों के अलावा प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम कई मायनों में यादगार स्थापित कर गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वरैया, मोंडा मार्केट के प्रभारी बीके सरोज समेत कई लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र के देवनी शहर के नवनिर्वाचित नगर परिषद के सदस्यों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। ब्रह्मकुमारी संस्थान के उदगीर सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तालुका देवनी कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन मानकारी, विशेष अतिथि भाजपा के तालुका अध्यक्ष प्रशांत पाटिल, उदगीर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके महानंदा की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। अभिनंदन समारोह में आए अतिथियों ने कहा कि ब्रह्मकुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में समाज बदलाव का महान कार्य कर रही है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इस संस्था के साथ मिलकर लोगों का सर्वांगीण विकास करें। इस कार्यक्रम में कुल 25 सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राजयोग के जरिए जीवन में सकारात्मक बदलाव की अपील की गई। इस कार्यक्रम में जिला लातूर के पूर्व सभापति नागेश जिवड़े, सदस्य हावगीराव पाटिल, संजय गांधी निराधार योजना के अध्यक्ष काशीनाथ गरीबे, नगराध्यक्ष विद्यावती मंसूरे, देवी निर्वाण के सभापति वैजनाथ आष्टूरे समेत बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के अलकापुरी सेवा केंद्र ने 11 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया, जिसके शुभारंभ पर नानकवाड़ी गुरुद्वारे के ग्रंथी गुरुदयाल सिंह खेरा, जमाते इस्लामी हिंद प्रमुख शौकत अली इंदौरी, प्रसिद्ध कथाकार जानी महाराज, इंडस्ट्रियलिस्ट कौशिक पटेल, म्यूनिसिपल काउंसलर शकुंतला मेहता, तहसीलदार के डी मर्चेंट, इंदौर से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना, प्रख्यात सर्जन डॉक्टर अजय शाह समेत अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके यह संस्था धन्यवाद के पात्र बन जाती है। इस शिविर से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा तथा उन्हें सही दिशा की ओर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। महापुरुषों ने, हमारे गुरुजन ने, हमारे पैगंबरों ने जो संदेश आज से वर्षों पहले दिया था, उसको प्रज्वलित रखते हुए आप ये कार्य कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। सिख कौन है, किसको सिख कहा जाता है? Running to the path of reality. मैं सबसे पहले अभिनंदन दूंगा ब्रह्म कुमारीज को, जिन्होंने इस भारत देश में एक ऐसे अवसर पर विश्व सद्भावना दौड़ का आयोजन किया है। अभी इस वक्त हमारे देश के अंदर इसकी बहुत ही आवश्यकता है। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बीके पूनम ने तनाव पर जीत पाने के लिए स्वयं के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने का आह्वान किया। वहीं इस शिविर के अंतर्गत राजयोग के गहन अभ्यास द्वारा खुशी की अनुभूति, आत्मा तथा मनोबल की अनुभूति समेत कई अनुभूतियां कराई गई, जिसका सभा में उपस्थित हजारों लोगों ने भरपूर लाभ लिया। वहीं शुभकामना दिवस पर सर्व मनुष्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखने का आह्वान भी किया गया। शिविर के दौरान मनाए जाने वाले उत्सवों में खुशियों के महोत्सव, परिवर्तन महोत्सव तथा छठवें दिन विश्व सद्भावना दौड़ आयोजित की गई, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े युवाओं ने हाथों में मशाल लेकर शहर में रैली निकाली। वहीं अन्य सदस्यों ने भी इस रैली का हिस्सा बनकर स्थानीय लोगों में सद्भावना के वाइब्रेशन दिए।
11 दिवसीय इस शिविर में हजारों लोगों ने भाग लेकर स्वयं के जीवन को एक नए सिरे से आरंभ करने का संकल्प लिया तथा तनाव को अलविदा किया। गुजरात के नवसारी में ब्रह्मकुमारीज तथा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में शाश्वत योगिक खेती विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के कुलपति सीजे डांगरिया, कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सी के टिम्बड़िया, इंडो जर्मन डीपीएच कृषि अभियंता डॉक्टर राजेश दवे, नवसारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता, जलाल पौर की प्रभारी बीके भानु समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया। नवसारी में चल रहे महाशिवरात्रि के उपलक्ष में 10 दिवसीय भव्य मेले के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने कहा कि जैविक व सेंद्रीय खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद की जरूरत नहीं होती और शाश्वत योगिक खेती के जरिए खेती को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान प्रकृति तथा वायुमंडल में जटिलता से जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन मुद्दों पर भी अतिथियों ने अपने परामर्श दिए। જીવન છે એ બધે છે, એટલે જ્યાં યોગિક રીતે અનુભવ કરી શકે, છોડવામાં પણ એવા અનુભવ અમારા સંશોધનો દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં તો ત્યારે પણ કરેલા છે કે મનથી કદાચ તમે છોડવામાં પણ એ કોષ છે અને કોષને રિસેપ્ટિવિટી હોય, તમે માનસિક રીતે એમાં કદાચ આ મંત્રથી કે પોઝિટિવ એટીટ્યુડથી એને જો સત્કારો તો એ જમીનમાંથી વધારે પોષણ લઈ અને સકારાત્મક રીતે વધારે ઉત્પાદન આપે। वहीं संस्थान के सदस्यों ने भी विचारों की शक्ति के महत्व से सभी को अवगत कराते हुए खेती में शुद्ध व शुभ विचारों द्वारा फसल को स्वस्थ बनाने की कला सिखाई, साथ ही आध्यात्मिकता द्वारा मस्तिष्क की शक्तियों का विकास करने की सलाह दी। इस अवसर पर वासंदा, चीखली तथा जलाल पौर समेत अन्य कई तालुकाओं से आए किसानों तथा उनके परिवारजन कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। बेंगलोर में ब्रह्मकुमारीज के आरटी नगर सेवा केंद्र ने पीसफुल पेरेंट हैप्पी चिल्ड्रन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर जीवन विकास परामर्श एवं समाधान के निदेशक एस कृष्णस्वामी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर मिल्टोनियर जी एस पन्नीभूषण, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियोट्रिक की मेंबर डॉक्टर संगीता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी के रंगनाथ, सेवा केंद्र की प्रभारी बी के भुवनेश्वरी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस कार्यक्रम में बीके रंगनाथ ने बढ़ती उम्र में बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देने पर बल दिया। इसके साथ ही उन्हें पूर्ण रूप से दिल का स्नेह देना आवश्यक बताया। इस दौरान पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों द्वारा बच्चों की दैनिक दिनचर्या तथा उनके खान पान को बेहतर बनाने पर विचार विमर्श किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित अभिभावकों को आध्यात्मिकता से जुड़कर बच्चों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने का आह्वान भी किया गया। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र पर संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का 100वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान के महाराष्ट्र प्रभारी विष्णु भूतड़ा, लातूर में बीजेपी के सचिव गुरुनाथ मगे, भरूच सबजोन प्रभारी बीके प्रभा, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नंदा समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर तथा केक काटकर दादी जानकी का 100वां जन्मदिन मनाया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि योग अनुशासन का ही दूसरा नाम है और ब्रह्मकुमारीज द्वारा राजयोग के माध्यम से जो भी कार्य होते हैं उससे नई ऊर्जा प्राप्त होती है। जानकी दादी जी को दीर्घायु की और उनके निरोगी आयुष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर उन्हें और भी ज्यादा आयुष्य और मानव के लिए कहते हैं शतायुषी और शतायुषी होने की शुभकामना देते हैं। दादी जी ने तो शतायुषी पूरी कर ली, अब ईश्वर ने उनके लिए दूसरी शताब्दी का शुभारंभ किया। वहीं बीके प्रभा ने दादी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन के 100 वर्ष पूर्ण करने वाली दादी जानकी ने यह सिद्ध कर दिया कि राजयोग और ध्यान से मनुष्य का जीवन संपूर्ण स्वस्थ रह सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र में हो। हमारे यज्ञ के इतिहास के अंदर 100 साल की जीवन की आयु पूरी करने वाली एक आखिरी रत्न कैसे दादी जैसा नाम है जनक, ऐसी ही दादी हमारी एकदम न्यारी प्यारी और शिव बाबा की राज दुलारी आत्मा है।
इस अवसर पर रोड सेफ्टी पर आयोजित प्रतियोगिता में लाहौटी नारायण स्कूल के विजेता बच्चों को सर्टिफिकेट तथा सौगात प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 सी सेवा केंद्र पर शिव जयंती के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंजाब जोन के निदेशक बीके आमिरचंद, सेक्टर 33 ए की प्रभारी बीके उत्तरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम समेत चंडीगढ़ के सभी सेवा केंद्रों तथा उप सेवा केंद्रों से 51 बीके बहनों ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस कार्यक्रम में बीके आमिरचंद ने कहा कि इस जयंती पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि लोग इस अवसर पर परमात्मा को पहचाने और उनकी शक्ति से जीवन सवारे। संबंध के आधार से याद हम करते हैं और उसमें भी प्यार चाहिए। कई दफा संबंध होता है पर अनबन हो जाती है तो वहाँ फिर याद दूसरे ढंग से आती है, प्यार की याद नहीं आती है। तो यहाँ ईश्वर को कहते हैं परम पिता परमात्मा, तमेव माता च पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो हम बच्चे हैं ना, वो बाप है ना, तो संबंध है। इस दौरान वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिव ध्वजारोहण किया तथा उपस्थित लोगों ने शुभ संकल्प कर स्वयं के विकारों से मुक्त हो सच्ची शिवरात्रि मनाने का संकल्प लिया। हरियाणा के नरवाना सेवा केंद्र पर खुशनुमा जीवन के रहस्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जय सिंह, अम्बाला से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण राणा, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सीमा ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में बीके करण राणा ने कहा कि सकारात्मक नजरिए द्वारा ही जीवन में खुशहाली आ सकती है। वहीं डॉक्टर जय सिंह ने आंतरिक खुशी द्वारा अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने की बात कही। अंत में नन्हे बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया तथा अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। मध्य प्रदेश में बिजावर के मेला ग्राउंड में स्थानीय सेवा केंद्र ने विश्व परिवर्तन में शिव शक्तियों की भूमिका विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक, बाल विकास अधिकारी राजकुमार बागरे, SDM रविन्द्र चौकसे, SDPO SP डोहरे, SMO शिवकरण संसैया, ब्लॉक महिला सशक्तिकरण अधिकारी सरिता श्रीवास्तव, न्यायपालिका के पूर्व अध्यक्ष छोटे लाल विश्वकर्मा, माउंट आबू से ज्ञानमृत पत्रिका की संयुक्त संपादिका बीके उर्मिला, छतरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शैलजा, भोपाल के अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रानी ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके उर्मिला ने आदिकाल से अब तक समाज के उत्थान में महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही महिलाएं पुनः समाज में अपने स्थान को प्राप्त करेंगी। अंत में सभी अतिथियों ने कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। भोपाल में BSNL के क्षेत्रीय कार्यालय में गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र ने खुशनुमा एवं तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें माउंट आबू से कैंसर रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर प्रेम मसंद, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रीना, BSNL के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर GC पांडे, दूरसंचार महिला केंद्रीय संगठन की अध्यक्षा अर्चना पांडे मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में बीके डॉक्टर प्रेम मसंद ने कहा कि खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के बाद नहीं, इसलिए हर कार्य खुश होकर करना चाहिए। वहीं बीके रीना ने सदा खुश रहने के लिए भागदौड़ भरी जिंदगी में राजयोग को शामिल करने की बात कही। अंत में डॉक्टर GC पांडे ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ब्रह्मा कुमारिस को आमंत्रित किया। चंडीगढ़ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेक्टर 44 सी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कविता को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके कविता ने तनाव का कारण स्वयं की पहचान को भूलना बताया, वहीं सभी को राजयोग मेडिटेशन का गहन अभ्यास कराया। अंत में बीके कविता को महाप्रबंधक RR जरियाल ने ट्री प्लांटेशन सर्टिफिकेट व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। हरियाणा में सफीदों के जाट धर्मशाला में राज्य सहकारी विकास संघ लिमिटेड द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारिस को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में विधायक जसबीर देशवाल, शिक्षा अधिकारी अर्जुन सिंह, SDO सतीश भारद्वाज, गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य रवि प्रकाश अरी, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके स्नेह मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए ही नारी स्वयं को शक्ति स्वरूपा बना सकती है। वहीं बीके स्नेह ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया।
अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.gollywoodstudio.org और गॉलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.gollywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।